सर सीन कैसे स्टार्ट होता है? कैसे तो? अब आप ऑफिस में एंटर करते हो, ठीक है? और जो आपकी असिस्टेंट है सीमा, आप उनसे टेंडर के प्राइस मांगते हो, ठीक है? देन आपका डायलॉग है कि जो न्यू जॉइनी है वो कब ज्वाइन करेगी? न्यू जॉइनी कास्टिंग हो गई? कौन है? होगी सर, एक लड़की है, क्या नाम है, आशा नेगी, नई लड़की है आशा नेगी। और सर ये आपका स्क्रिप्ट है, बताऊँ क्या सर? आगे चल के ना आपका उसके साथ इश्क मुश्क होने वाला है, थोड़ा सा रोमांस। थैंक यू सर। और सर यही है आशा नेगी। क्या करती है, कहाँ से है आशा नेगी? कोई सर मिस उत्तराखंड रह चुकी है। मिस उत्तराखंड मतलब ब्यूटी, तो एरोगेंस भी होगा यार। एरोगेंस का तो पता नहीं, लेकिन सर नर्वसनेस का ओवरडोज है। हाँ? अभी तक 13 टेक ले चुकी है और अभी तक एक भी फाइनल नहीं हुआ। तो क्या हो गया, पहली बार है मेरा? पहली बार में पता है कितने, कुछ 18-20 टेक हुए थे यार। होता है, चलो शॉर्ट रेडी कर, मैं आ रहा हूं। अरे वो बैंकी को भेज दे बिलाल। हाँ सर भेज दो बैंकी, देखना एक बार सर का हेयर चेक कर। हेलो एवरीबॉडी, क्या हुआ? कंफ्यूज्ड कि कैसे मैं ये कहानी सुनाते सुनाते खुद इस कहानी का एक किरदार बन गया। वेल वो मैं ही हूँ, डोंट वरी। यू नो आपका और हमारा जो रिश्ता है इतना पुराना और इतना पक्का हो गया कि इस प्यार को मुझे मुझे कल्मिनेट करके एक रिटर्न गिफ्ट देना था। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, ये है आशिकी ने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी रिटर्न गिफ्ट के तौर पर आपको कुछ पेश करूँ, कुछ दूँ। मैंने आज तक आपको कई सारी प्यार की कहानियाँ सुनी, कई सारे मोहब्बत के किस्से सुने, लेकिन आज आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दिल के सबसे करीब, क्योंकि वो मेरी खुद की कहानी। कब मैं प्यार में पड़ा, कब मुझे आशिकी हो गई, कब मुझे आशा नेगी का भूत सवार हो गया। बस ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा हमारे आज के एपिसोड में। सो वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिकी। लेट्स हैव सम फन। कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग, सीन 4 शॉट 2 टेक 5 एक्शन। गंगूबाई मेरी शक्कर में चाय कम डालना, आप हमेशा भूल जाते हो। काट काट काट, क्या बोल रही हो आशा जी, चाय में शक्कर कम डालना, नहीं नहीं करवाओ यार। रिलैक्स रिलैक्स एवरीबॉडी रिलैक्स, सॉरी रिलैक्स। हाय पृथ्वी, हाउ आर यू? ओके एवरीबॉडी स्टॉप लाफिंग, इट्स मजाक की बात नहीं, पहली बार है, डजंट मीन कि आप लोग फर्स्ट टाइम, राइट? मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ, सो डोंट यू वरी, ओके इट्स गोना बी ओके। एंड इन फैक्ट जो तुम कर रही हो काफी सारे एक्टर्स नहीं कर पाते। फर्स्ट टेक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट डे तुम इतने सारे लोगों को हंसा रही हो, इट्स अ गुड थिंग, इजंट इट? अच्छी बात है ना। एवरीबॉडी कम ऑन, ठीक है, चाय में शक्कर डाल दो, बस एवरीथिंग इज गोना बी ओके, ठीक है। चलो विल डू वन मोर, विल डू वन मोर, ओके रेडी सर? रेडी। कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग, सीन 4 शॉट 2 टेक 5 एक्शन। और आशीष सर भैया कैसे हो? जी सर बढ़िया। हाँ, so first day of my shoot, मैं इतनी नर्वस थी कि पूछो ही, पूरे आई थिंक 14 टेक्स लगे थे मुझे शॉट को। 16, 16, okay whatever, 16 टेक्स। But frankly speaking, रितिक इतना सपोर्टिव था ना कि you know मैं बेटर होती गई। ये जो इनकी नर्वसनेस की बात करेंगे, नर्वसनेस सिर्फ फर्स्ट डे तक नहीं थी, ये नर्वसनेस उसके कुछ दिन बाद तक भी थी। ओह हेलो एक्सक्यूज मी शट अप, कुछ 2-4 महीने और भी, ऐसा कुछ भी नहीं था, 4-5 महीने और नर्वस थी मैं, ऐसा कुछ भी नहीं था वो। मैं थोड़ी सी इसलिए नर्वस थी बिकॉज़ हमारी आगे केमिस्ट्री कैसे चलेगी और यू नो कैसे, राइट, केमिस्ट्री उत्तराखंड चाहिए, मैं लव सीन्स कैसे करूंगी, मम्मी पापा क्या कहेंगे, देखेंगे तो ओ माय गॉड मैं इसको गले कैसे लगाऊंगी। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, पृथ्वी ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत सपोर्टिव रहा है थ्रू आउट, एंड आई थिंक ही इज वन रीजन कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ। But on a very, very serious note, I think आशा शुरू में जितनी बुरी एक्टर ये खुद को समझ रही है ये उससे भी ज्यादा बुरी थी। But ये सब तो चलता रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो सीन हमारी लाइफ का जिस सीन ने हम दोनों की जिंदगी बदल दी, या जिंदगी बदलने की शुरुआत। अच्छा एक्शन। अमृता, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ।
लेकिन मुझे नहीं पता कि हम ये रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएं। मम्मी पापा ने मेरी एंगेजमेंट ऑलरेडी किसी से तय कर रखी है और तुम जानती हो कि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। मनन, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अरे यार कुछ तो कहो, मतलब गॉड सेक एक सीन तो खत्म करो। कम ऑन यार, प्रोड्यूसर चिल्ला रहा है, चैनल बोल रहा है ठीक से करो, क्या सीन बाकी है? तनवीर, व्हाट यू गाइस डूइंग यार? रिलैक्स रिलैक्स, वी विल डू इट, रिलैक्स, कम ऑन यार, इतने एक सिचुएशन को संभालो। काम डाउन, गुस्सा मत, विल डू इट। कैमरा फर्स्ट मार्क, रिलैक्स, जल्दी कैमरा बोले, साउंड सीन 4 शॉट 5 टेक 13 एक्शन। अमृता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस प्यार का क्या करूं, अचार डालूं? क्योंकि तुम जितनी बार भी लाइनें बोलती हो, मेरा डायरेक्टर देखो गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्सा करता है, चैनल का नाम लेता है, कभी प्रोडक्शन बोलता है, कभी चैनल बोलता है, कभी तुम्हें बोलता है, कभी खुद को बोलता है, मुझे बोलता है, तुम्हें हर किसी को डांटता है। देखो पागल हुआ जा रहा है मेरा डायरेक्टर, तुम्हारी वजह से क्या करूं? यू ओके? यू ओके यार, इतना गुस्सा कभी नहीं करता नहीं, लाइक ओके, डोंट वरी, आर यू रेडी आशा? Yeah. We do it one more time. Great, we will do it. Camera first mark. क्या इतना गुस्सा उसने कभी नहीं किया? Ready? first mark, चलिए. Take 14. Guys, ready? Yeah. Action. अमृता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि तुम जानती हो ना, मम्मा पापा ने मेरी एंगेजमेंट कहीं और तय कर रखी है। But I still love you. I know Manan, I love you too. पर क्या करूं? तुम अब किसी और की अमानत हो चुकी हो ना, पर दिल करता है कि तुम्हें छीन लूं। शायद इसी ख्याल की सजा मिल रही है मुझे। हेलो बेटा, घर पहुंच गए हैं आप? हाँ जी, अभी अभी आए। अच्छा ये बताओ कि आपकी शूटिंग्स कैसी चल रही हैं? आपको कोई नेट पे प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आज जो पूरा दिन थोड़ा हेक्टिक था ना, इसीलिए, और फिर कल वापस से साथ की शिफ्ट। आपकी मम्मी और मैं आपके लिए थोड़ा वरीड थे बेटा। वरीड? पर क्यों पापा, यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, शूट भी कितना अच्छा चल रहा है। फिर बेटा मुंबई इतना बड़ा शहर है और आप वहाँ पे अकेले हो। पापा, मेरी जैसे पता नहीं और कितनी लड़कियां यहाँ पे अकेली रहती हैं, और फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे पास काम है। कितने सारे लोग यहाँ पे ऐसे जिनके पास काम नहीं होता। बेटा हम मिडिल क्लास लोग हैं, मुंबई जैसे बड़े शहरों का कल्चर हमें नहीं समझ में आता। पापा क्या बोलना चाहते हो आप, साफ साफ बोल सकते हो। बेटा आजकल न्यूज़पेपर में आपके और ऋत्विक के बारे में पता नहीं कैसी कैसी उठपटांग बातें छप रही हैं। हमारे रिश्तेदार, जान पहचान वाले जब ये सब पढ़ते हैं तो पता नहीं मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछते हैं।
अब मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूं? बेटा देखो, आप वहां पे काम करने गए हो, प्लीज फोकस ऑन योर वर्क। और हाँ, इस ऋत्विक से थोड़ा दूरी रहा करो, बाकी हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। पापा, हमारे बीच में से कुछ भी नहीं चल रहा है, और फिर ये अफवाह फैलाने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना? बिल्कुल है बेटा, मेरा मतलब था कि देखिए, जहाँ तक ऋत्विक की बात है ना, तो वो ऑलरेडी बहुत फेमस है और मैं उसके आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करती हूँ। ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ओके बेटा, बाय। टेक केयर, बाय। How's that Kolkata event last month? That was really great. Yeah, I heard great news about. Hello, Negi. Aasha, Akanksha, Akanksha, Aasha. Akanksha is the hot reality producer. बहुत सारे events करती है हमारे साथ यहाँ पे. In Mumbai, most of them she does it. Akanksha Kapoor. You called me hot on the show, huh? Well, तुम्हारे show को hot करने के लिए हम दोनों हैं ना, the hot people. और तुम तो hot हो ही यार, तुम्हें hot नहीं की ज़रूरत है. Thank you. Well, actually, Akanksha एक event कर रही है. It's a promotional event जहाँ पे वो तुमसे और मुझसे परफॉर्म करवाना चाहती एज अ कपल। प्लीज एग्री टू इट, तुम दोनों की केमिस्ट्री स्टेज पे आग लगा देगी। प्लीज डोंट से नो। ओके। या? आई एम ओके। यू विल डू इट? या। ओह दैट्स ग्रेट। मैं आज के आज तुम लोगों को एग्रीमेंट्स फॉरवर्ड कर देती हूँ और प्लीज उसको पढ़ के साइन कर देना, फिर हम रिहर्सल्स जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। ऑलराइट? कूल। ओके। That's great. Nice meeting you again. Super. See you. Bye, darling. Yeah, bye. I'll give you a call. I'll tell Manish to call you for the rest of the agreements. Cool. Right? Bye. Thanks. Bye-bye. Here we go. Ritvik, main kar lungi na? Of course kar legi. Kaisi baatein kar rahi hai yaar tu? Why do you underestimate yourself so much? Nahi, matlab, usme thode intimate scenes honge na? Intimate scenes? Performance है, stupid. अरे, I mean वो intimate moves यार. क्यों tension ले रही? मैं हूँ ना, मैं करता आ रहा हूँ आंसे इतने times. मैं I'll help you. नहीं. फिर? Problem है family की तरफ से. कि तो देखो करना, do you want to do it? हाँ. So don't worry about it. और जानते कि dance की सवाल है, we'll take care of it and we'll ask the choreographer अगर. तो choreographer से बात कर लेना. Choreographer को बोल देना क्या-क्या problem है. तू बात कर लेना ना. मैं क्या बात करूँगा? Please, मैं कैसे बोलूँगी? कोशिश करके देखेंगे, but don't worry, सब ठीक हो जाएगा. Scene ready? हाँ, let's go. I'll see you then. Come. Yeah. Okay, so पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगा था कि हमारी जो जो ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री है वैसी ही हमारी ऑफस्क्रीन केमिस्ट्री भी है, यानी कि हम दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है. लेकिन जहाँ पर पूरी दुनिया को लगता था इन मैडम को कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ हो ही नहीं रहा है, वैसा वैसा वाला था. और मुझे पहले लगता था कि बिकॉज आई लाइक हर, मैं आई आस्क हर आउट, वी विल डेफिनेटली डेट. बट ये इतनी इतनी बेवकूफ है ना, क्योंकि इसने मेरी मेरी कोई भी हिंट नहीं समझी. फिर मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, ये थोड़ी सी पागल है, धीरे समझती है, ट्यूबलाइट है, उसको थोड़ा सा टाइम देते. जबकि मेरी आंखें, मेरी बॉडी लैंग्वेज हर वक्त ये कह रही थी कि आशा यू आर द स्पेशल वन, इट वाज यू और कोई नहीं. लेकिन ये समझे पॉसिबल ही नहीं, समझ ही नहीं पाती थी, इम्पॉसिबल. ठीक है ना, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज थी, बिकॉज एक तो ऋत्विक का स्टार स्टेटस और ऊपर से पापा की बातें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. और एक इसके पापा थे जो उसको डरा के बैठे थे, दूसरी तरफ मेरे पापा थे, उनको ऐसा लगने लगा कि मुझे लड़कियां ही नहीं पसंद है. उनको लगने लगा था कि शायद मैं लड़कों में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी इतनी देर हमसे कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है. तो फिर मैं खुद भी सोचने लगा था कि क्या हो रहा है. बट मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं इन 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 महारानी के पीछे अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ ताकि ये पट जाए. बट नो, नो वे पॉसिबल. अरे ठीक है ना, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था. आई थिंक उस कंफ्यूजन की वजह से ही मैं एंड तक डिनाई कर रही है ना. बट ये कंफ्यूजन कभी दूर नहीं हो सकता, इज बिकॉज वुमेन आर कॉम्प्लिकेटेड. शट अप. Welcome. Hello, Seema. Hi. Shoot. पूछे. आपका शो टीवी पे भी नंबर वन चल रहा है. Thank you. तो आप लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं? Actually क्या है, जब हमें स्क्रिप्ट दी जाती है टीवी में, अक्सर ऐसा होता है कि हमें स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट मिलती है. तो जब हमें स्क्रिप्ट मिलती है, मैं एटलीस्ट पूरी कोशिश करता हूँ कि यू नो आशा के साथ बैठ के, अपने कोई भी को एक्टर के साथ बैठ के वो स्क्रिप्ट अच्छे से रिहर्स की जाए और जितना रियलिज्म हो सके उसमें डालें, जितना हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से डालें.
तो वो थोड़ा रियल लगने लगता है, वो इतना फेक नहीं लगता. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी डू. सुना है आप लोग जल्द ही को नए शो में आने वाले हैं साथ में. बहुत अच्छी बातें सुन लेते हैं, बहुत सारी बातें सुन लेते हैं. मैं आपको जब आएगा तब बताऊंगा यार कैसे सवाल पूछते हो तुम. बट यस आई विल लेट यू नो जब टाइम आएगा तब. सो या ऐसा कुछ होगा तो वी विल डेफिनेटली टेल यू. या वैसे तो आप दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में तो सभी को पता है और आप लोग मेरे फेवरेट कपल भी हो. तो आशा आपका मुझे आपकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में कुछ बताओगी? ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में. मैं आपको हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है. ये हमारी देहरादून की थोड़ी सी पागल येड़ी. मुझे पता है भाई यू टारगेटिंग दिस, आई अंडरस्टैंड. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात सच है कि मैं इसको आज तक किसी कॉफी की डेट पर नहीं लेकर गया. ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है वो ऑफ स्क्रीन में बदलना तो बहुत दूर की बात है. बट एक बात सच है कि जो हमारी मिस नेगी है इनको ना तो किसी रूमर से फर्क पड़ता है ना किसी रियलिटी से. रियल लाइफ में प्यार की एक्टिंग करते करते कब हम रियल लाइफ में प्यार कर बैठे हमको पता ही नहीं चला. और बाकी लव स्टोरीज की तरह हमारी लव स्टोरी में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे. और ऐसे चैलेंजेस कि हमारी लव स्टोरी का जो हैप्पी एंड है वो बहुत ही मुश्किल था. लेकिन ये चैलेंजेस के डर की वजह से थोड़ी ना प्यार रुकता है. देखिए वो कहानी जो हम दोनों के दिल के सबसे करीब, हमारे सच्चे प्यार की कहानी. ओनली ऑन ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिकी. अब्बास को भेज देना अगर वहां से आए तो. You read this? कुछ भी लिखते हैं यार ये लोग. Yeah, ये मैंने आज सुबह पढ़ा. मेरे तो दिमाग खराब हो गया पढ़ के. मैं मजाक कर रहा था उन लोगों के सामने. I don't know वो लोग इस बात कैसे बतंगड़ बनाएंगे. Sorry to embarrass you. But Ritik, I thought you would be more embarrassed. No, I'm not. Actually, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये खबर छापी फ्रंट पेज. Because I want to be with you. I have to go. Already late, are you? Yeah. Okay. So guys, choreography याद है? तो एक बार करते हैं on the counts. चलो 5, 6, 7, 8. हाथ पकड़ा. And turn and walk back. Very nice. Hi, Papa. Hello. क्या हुआ पापा, सब ठीक है ना? बेटा क्या है ये सब? आपने तो मुझसे कहा था कि आपके और ऋतिक के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, फिर इस पेपर में ये सब. बेटा इस तरह तो हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा. क्या अब हमारे ये दिन आ गए क्या हमें पेपरों से पता चलेगा कि हमारी बेटी की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है? आप इन सब चीजों पर कहां विश्वास कर रहे हो, तो कुछ भी लिखते हैं. और वो ऋतिक सो कॉल्ड बिग स्टार, बेटा उसके पास पैसा है, शोहरत है. मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी रिलेशनशिप कुछ भी मायने रखती है. आज आप हो, कल कोई और होगा और परसों कोई और होगा. बेटा लिसन, I feel he's going to break your heart. आपकी लाइफ और आपका करियर दोनों बर्बाद करके रख देगा वो. नहीं पापा, आप एकदम गलत सोच रहे हैं. वो ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ. पापा पहली बात तो ये कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी ना, तो मैं बाहर वालों की बिल्कुल नहीं सोचती कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे. क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है, सच कह रही हूँ. ट्रस्ट मी पापा. तुम्हें पता है
जितना प्यार मुझे तुमसे मिला है मुझे किसी से भी नहीं मिला. जितना ट्रस्ट मैं तुम्हें करती हूँ ना उतना मैं कभी किसी को नहीं कर पाऊंगी. आई प्रॉमिस मी दैट Promise me you'll never leave me. क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो I feel alive, you know, yeah. and followed by me saying कि of course Ray, easy? Yeah. Let's do it again. No script this time, okay? ठीक है? चलो. जितना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो मैं किसी को नहीं करती. Promise me that you'll never leave me, because I feel alive with you. Of course, Ray. कि मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं छोडूंगा. I cannot imagine my life without you. You won't have to. I promise you. That I won't leave you. See? Has it become easy? Negi, hi. Negi. Relax. What? Relax. I know. Don't क्या? Misunderstand. मैं सिर्फ मैंने misunderstand किया था. मैंने गलत देखा नहीं. मैं माइक के साथ रिवर्स कर रहा था. एक सेकंड. तूने शायद मुझे गलत समझ लिया. ऐसे टाइम पास नहीं कर सकता. I'm not one of those girls, okay? Neki, मैं Shut up. Neki, I was just rehearsing. Should I explain? No. Just it's okay. शुरुआत करें. ठीक है, I'll do it once. Just follow me after that. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ठीक है, 5, 6, 7, go and 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I'll do it. तो हम लोग एक बार rehearse करते हैं. You got it? चलो, 5, 6, 7 and 1. कोई बात नहीं फिर से करते हैं 5, 6, 7 एंड 1, 2, 3, 4 टर्न 6, 7 वापस टर्न करो. सॉरी. ओके. क्या इजी है. इधर आया 6 टर्न एंड बैक. स्मूथली करना थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है ना. स्मूथली करो. ठीक है चलो 5, 6, 7 एंड 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 थोड़ा वो टर्न में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? I don't know. क्या हो रहा है? पता नहीं मुझे. जस्ट तू एक काम कर तू कर ले उसको सिखा दे तू एक बार अच्छे से. ठीक है चलो आ जा यहाँ पे आ जा. कब? 5, 5, 6, 7 एंड 1, 2, 3, 4 टर्न एंड 6 टर्न एंड 8 कोई बात नहीं. वेरी गुड मच बेटर. एक बार लोग रिहर्स करते हैं ऑन म्यूजिक. ऑलराइट चलो रेडी 5, 6, 7 8. Okay, guys, chalo, take your first mark. Niche baitho. Okay, first mark. Okay. And music. Besharmiya, barbadiya. Heshk ki shaitaniya. Ye fitur jo. सर पे सवार हो जीना भी फिर दुश्वार हो किसकी मजाल कोई रोक ले किसकी मजाल कोई टोक दे इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी ये आशिकी गुस्ताख सी ये आशिकी बेबाक भी ये आशिकी जो ये संचले जो ये रंग चले क्या बात है गाइस ब्रिलियंट जॉब थैंक्स आई डोंट थिंक यू गाइस नीड मी एनीमोर शट अप चले हैव वाटर थैंक्स कल मिलते हैं गाइस ऑलराइट सेम टाइम कीप डांसिंग मेल मी द सॉन्ग गुड परफॉर्मेंस है लेट्स गो आई एम डूइंग दिस
मैंने तुझे बोला था ना कि डांस के टाइम पे मेरे ज्यादा क्लोज आने की कोशिश मत करना, फिर क्यों? What? नेगी, इट्स अ कोरियोग्राफी और यश ने सेट की थी। अगर देखो प्रॉम्प्ट दी तो उसको बोलती, मेरे को क्यों बोल रही है? मैंने तेरे को मना किया था, बट तेरे को कोई चीज याद रहती है तो ना। What do you mean by याद रहती है? और हर चीज की प्रॉब्लम मैं क्यों बन रहा हूँ? Like I'm really sorry अगर मैं थोड़ा सा कैरेड अवे हो गया था, इसका मतलब ये नहीं कि you are also, तू भी enjoy कर रही थी यार। Just like that's my passion for dance, okay? Passion, passion. मुझे अपने साथ जोड़ मत। Passion for एक सेकंड, इसके पहले कौन सा passion था तेरा डांस का? मेरे को ये बता, इसके पहले कौन सा passion था? तेरा बात करने ही बेकार है। Why am I even talking to you? मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये खबर छापा, because I want to be with you. Thank you. Bilal. Bilal. इधर आओ. Yes sir. मृणाल कौन? मृणाल सर, इस सीन में एक नया कैरेक्टर ऐड हुआ है. तो ये मेरे जो सीन्स आशा के साथ, वो मृणाल क्यों कर रहा है? एक्चुअली सर, वो ट्रैक में थोड़ा चेंज है, तो मृणाल ही करेगा वो सारे सीन. और ये ट्रैक में चेंज मुझे कौन बताएगा? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ फिर? अगर मेरे सीन कोई और कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि व्हाट आर द चेंजेस इन द स्क्रिप्ट. कौन बताएगा मुझे बिलाल? I'm so sorry sir, but चैनल की तरफ से फीडबैक हो, किसी की तरफ से भी फीडबैक हो, आई नीड टू नो दिस. कॉल द क्रिएटर्स. एनी प्रॉब्लम? दैट्स द प्रॉब्लम. पढ़ी तुमने स्क्रिप्ट? ओह या, अभी पढ़ा मैंने. अब मेरे सीन्स जो तुम्हारे साथ है, वो कोई मृणाल करके कर रहे थे सर? हाँ, वो एक्चुअली मेरे लिए एक नया एक्टर लाए ऑपोजिट. तो बड़ा खुश हो रही है इस चीज को लेके? मुझे कौन बताएगा ये सब? Who will tell me this? Chill Ritvik, it's just a show. I know it's just a show. मुझे जानना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या हो रहा है, सेट पे क्या नहीं हो रहा है. It's important for me यार. तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? ऐसे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क क्यों पड़ेगा? बट तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? Of course not. तुझे सीरियसली से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे मेरे बीच कोई भी एक्ट? गिव नो. व्हाट डू यू मीन? मार के एक्टर हो गई. हां, गो प्रैक्टिस योर सीन. गो प्रैक्टिस योर सीन. ओके, गो. ओके बिलाल, 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 बुलाओ, बस कॉल समबडी. कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग, सीन सिक्स, शॉट फाइव, टेक वन, एंड एक्शन. मृणाल, तुमसे एक बात कहूं? कहो. जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग गया है. ऐसा लगता है कि मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. आई लव यू. आई लव यू टू. कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग, सीन सिक्स,
Shot 2, take 2. Cut! Up to yaar. Nishant was coming out of the cess and he just wanted to meet you for a while in case it's done. So once you're done. Okay, okay. Cut. Asha, that's really nice, but thappad maro usse, na? Yeah? But good performance. Go for it. Just thappad maar de. Relax. Kaisa laga tha jab tune mereko Maya ke saath dekha tha? Maarne ka man kar raha tha, thappad maar de. It'll help you in the ring. Go for it. Just hit it. Get the emotion. Just feel the emotion. Ready, sir? And action. Tumhe kya lagta hai? ये थप्पड़ मारने से सब कुछ बदल जाएगा। अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट था तो मुझसे पूछा क्यों? कहा क्यों नहीं? अगर तुम्हें पता था कि गलती हुई है तो एक बार फोन करके क्लैरिफाई नहीं कर सकते? क्लैरिफाई? मुझे एक बात बता, उस रिश्ते का, उस प्यार का क्या मतलब जिसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़े? एक रिश्ता एक भरोसे का होता है। एग्जैक्टली। भरोसा प्यार भरोसे पे होता है। एक यहाँ पे तो कोई भरोसा ही नहीं। भरोसा नहीं है हमारे बीच? किसकी वजह से? तुम्हारी सब कुछ मेरी वजह से। भरोसा नहीं है तो मेरी वजह से, प्यार है तो सिर्फ मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं। Look at me. क्या प्यार सिर्फ मैं करता हूं तुम्हें? बोलो अमृता, क्या प्यार सिर्फ मैं करता हूं तुम नहीं? नहीं करती। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। Look at yourself. अपनी आंखों में झांक के देखो, सब सच पता चल जाएगा तुम्हें। मैडम किसी कर लेते। कौन था ये? कौन था? इसे क्या मतलब है तुम्हारा रिश्ते? जब रीजन तुमने दिया तो तुम उसको क्या बोल रहे हो? मेरे कौन सा रीजन दिया? ये इंप्रोवाइजेशन ही, इस सब की क्या जरूरत है रिफेक? इंप्रोवाइजेशन? इट्स अ सीन सर। व्हाट डू यू मीन इट्स अ सीन सर? इतने इंप्रोवाइजेशन की क्या जरूरत है? जो स्क्रिप्ट में लिखा उस पे रहना। यार सर इट हेल्प्स प्लीज। व्हाट हेल्प्स यार? आई एम नॉट कंफर्टेबल। यू डोंट हैव टू डू इट प्लीज। एंड तेरे को फर्क नहीं पड़ता होगा, बट मेरे को फर्क पड़ता है। मैं लड़की हूं और मैं तेरी बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं हूं। सो आई एम सॉरी बट आई कांट डू दिस। कौन था ये? तो मैं देखता हूँ, मैं चेक करवाता हूँ। चेक करो बिलाल, ये क्या तमाशा है यहाँ पे? कौन था यार? कौन था? बैठो। नो फॉरगेट अबाउट बैठना। ये क्या क्या मजाक क्या चल रहा है यहाँ पे? हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या तुम लोग के तमाशे के लिए आए यहाँ पे? चेक करो कौन था। And 5, 6, 7, go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 पे। हाँ तो हमेशा थोड़ा बेंड प्रिपेयर सो यू गो हायर। ठीक है चलो वापस। 5, 6, 7 गो। एंड 1, 2, 3 थ्री। ठीक है चलो। 5, 6, 7 गो। एंड 1, 2 हाउ आर यू? हमारी प्रोड्यूसर। यस मिस प्रोड्यूसर मीम साहब, आपको आज टाइम मिल गया हमारे पास आने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। वो सब छोड़ो, वेज आशा। अरे आज आशा नहीं आई। I've been trying to call her up since the last night. उठा ही नहीं रही है, कहाँ पे है वो? I don't know, don't ask me. आज इवेंट पे आना है उसको। क्या? Look, ये मेरा इवेंट है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और तुम्हारी हीरोइन यहाँ पर नहीं आई, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I don't know what to do. It's important for her to be here. Handle it. Call करो उसे। Ritwik, listen, it's important for her to be here, all right? Yeah, so, क्या जरूरत है? वो अगर नहीं है तो मैं हूं यहाँ पे, मैं मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। Ritwik, it's a couples dance. She has to be here. तो तू बन जा मेरी कपल, हम लोग आग लगा देंगे स्टेज पे। Let's do it. I don't care.
Stop being funny, all right? Not. Listen, Ritwik, this is serious now. She's not picking my call up since last night. Do you understand? I've started getting worried now. Call her! That's why I've come Look, here. I'm not phone. Kar, Ritwik, phone kar. Ek kaam kar, Ritwik, just call Asha. Just call her up. Exactly. हेलो अश्विनी आशा कहाँ है सर आशा मैम ने तो मेरी कॉल कल रात से ही नहीं उठाई है शूट पे भी नहीं आई आज हाँ तो तुम लोगों ने किसी को भेजा घर पे चेक करने के लिए उसकी किसी दोस्त से पूछो पेंगेस में मैंने सारे दोस्तों को कॉल किया बट हाँ तो प्रोडक्शन से किसी को बोलो गाड़ी भेजेगा घर पे व्हाट इज रॉन्ग विद यू हाँ मैं करती हूँ अश्विन रवि को बोलो मेरे को फोन करेगा अभी लिसन ऋत्विक डोंट पैनिक मैं अभी किसी को भिजवा रही हूँ ठीक है मैं निकलता हूँ मैं काम करता हूँ मैं निकलता हूँ I'll find her don't worry अभी रेडी हो जाओ हमें इवेंट पे जाना आशा इज मिसिंग आकांक्षा रेडी हो जाओ forget about the event I'll take care of it just अरे ये रेपुटेशन का क्या होगा यार आकांक्षा इट्स शो आकांक्षा इट्स आशा I don't care about this event handle it I don't know how करो she's important please cannot do this please all right से फोन करे एवरीबॉडी स्टार्ट कॉल यू सेट वाले फोन करे आकांक्षा फोन करे आराधना फोन करे मैं फोन कर रहा हूं व्हाट द हेल आर यू रिलैक्स का मतलब क्या होता है तू पागल हो गई कल रात से किसी का फोन नहीं उठाया तो नहीं अच्छा हाउ कुड यू बी सो इररिस्पांसिबल व्हाट डू यू मीन बाय कम इनसाइड वी टॉक कम इनसाइड डैम स्टार्ट तू इतनी इररिस्पांसिबल कैसे हो सकती है हम लोग कल रात से तेरे को फोन कर रहे सब क्यों हो रहे यार ना हाइपर क्यों हो रहा कब से फोन कर रहे सब लोग देखो कल रात से फोन करे कम से कम फोन तो उठा लेती काय तरफ कैसे उठाती फोन मेरा फोन मेकअप रूम में छूट गया तो फिर अगर मेकअप रूम में फोन छूट गया तो किसी को बोल देती कि मेरा फोन मेकअप रूम में छूट गया प्लीज टेक केयर ऑफ इट कम से कम हम लोग इतना पागलों की तरह घूम तो नहीं रहे होते और इस तरह से घर पे इररिस्पांसिबल होकर बैठने की क्या जरूरत इररिस्पांसिबल मैं तो फिर मैं गलत हूं मैं गलत हूं तू तो बहुत इनोसेंट है हर लड़की के साथ वहां कोजी होता फिरता है मुझे बोलता कि मैं स्पेशल हर लड़की के साथ कोजी ऑफ कोर्स यू आर स्पेशल यू इडियट और मैं कोई कोजी नहीं हो रहा था माया के साथ उसको उसकी लाइन सिखा रहा था उसकी सीन में हेल्प कर रहा था दैट इज इट लाइफ में तो तूने कितनी बार मुझे भी हेल्प किया है पर मुझे तो कभी ऐसे हग नहीं किया अभी कर लेता तेरे को अभी मुझे अब तेरे हग की जरूरत नहीं समझा कैसी बातें कर रही है यार देखिए अगर मैंने गलती से अपनी फीलिंग सामने रखी तेरे को एक बार हग कर भी दिया होता तो तू क्या सोचती सारे एक्टर्स तो होते ही कमी नहीं ये सोच के आए थे ना तो तेरे उत्तराखंड से तो यही सोचती मेरे बारे में तू मुझे तुझसे लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है और तू अगर यहाँ पे लड़ाई करने आया ना तो निकल जा मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ यू स्टूपिड तू लड़ाई करने नहीं आया हूँ लड़ाई करने क्या कर तू फोन नहीं उठा रही थी आई वाज वरीड कहा है तू ठीक है नहीं अपना इवेंट छोड़ के आया हूं मैं जस्ट बिकॉज आई केयर उसे घूर के मत दे कभी गलती तेरी हा देखो इतनी सी बात समझ में नहीं आती तू इतनी स्टूपिड है क्या लव यू क्या लव यू I love you. पागल? ये बात तू पहले नहीं बोल सकता था इतनी देर से लड़ाई करनी जरूरी थी लड़ाई तो तू ही करती है ना हमेशा मैं लड़ाई करती हूँ अभी कौन कर रहा है रीजन कौन देता है रीजन कौन हमेशा छोटी छोटी बात पे गुस्सा कौन होता है अभी कौन कर रहा है अभी कौन कर रहा है लड़ाई अभी कौन आई जस्ट प्रपोज टू यू अभी कौन कर रहा है लड़ाई मैंने अभी भी कहा दे रहा है लव यू और अभी भी झगड़ा कर रही है I hope
तुम हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे? कौसम, हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे? जी अंकल, जब से 15 साल का था स्कूल में तब से। हमारी बच्ची के साथ कोई चीटिंग शीटिंग करने की कोशिश मत करना, और उसका भरोसा तो तोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। कुछ भी नहीं अंकल, किसी बातें कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। अरे तुम्हें क्या लगा था कि एक्टिंग सिर्फ तुम्हें ही आती है? भाई मैं भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। अरे अभी करके बताई जो। बेटा मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे। मेरी बेटी को तुम पे भरोसा है, और मुझे मेरी बेटी के भरोसे पे भरोसा है। और हाँ, आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज वेरी जजमेंटल अबाउट यू। नहीं अंकल, डोंट बी सॉरी, इट्स ओके। अच्छा ये बताओ कि आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा अंकल, हम लोग ओरिजिनली तो इंडिया से, दुबई से हैं। पापा का बिजनेस है दुबई में। अच्छा, आशा बता रही थी कि आजकल आपके पापा यहाँ आए हुए। जी हाँ, मतलब पिछले कुछ एक महीने से पापा यहीं पे हैं। तो ऐसे क्यों नहीं करते, इस संडे अपने मम्मी पापा को लेके हमारे यहाँ डिनर पे आ जाओ। मैं पूछता हूँ पापा से, बिल्कुल डेफिनेटली। आई थिंक अगर हमारा शूट नहीं हुआ तो ठीक है। Well, अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो इनके पापा इससे भी कहीं ज्यादा स्वीट, बहुत ही ज्यादा चिल्ड आउट, यू नो, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और अगर मैं अपने बॉलीवुड तरीके से कहूं तो हमारे प्यार की जीत हुई। हमारी लव स्टोरी थोड़ी सी फिल्मी लगती है। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। एक्चुअली मैं कहती हूं कि ये प्यार का लड्डू अगर खा के पछताओ ना तो बेटर। तो आप जिस जिसने अभी तक नहीं खाया है, एक बाइट मार ही लो। यू नो गाइस, इट डजंट रियली मैटर कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं, एक एक्टर हैं, या जस्ट अनदर कॉमन मैन। लव विल टेक यू थ्रू दिस रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। प्यार किसी को नहीं बख्शता, हर किसी के साथ एक ही तरह का सलूक करता। बट एट द एंड अगर आपका प्यार जीत जाता है, then you're on cloud 9. Exactly, इसी cloud 9 पे। Best cloud 9.